गाड़ी वाले लोग भाई देख देख के कह रहे भाई क्या कर रहे हो, रेस हो जाए भाई रेस हो जाए। और कल सुबह भी हम 5 बजे जाने वाले हैं, कल सुबह आना वसूल हो गया। चैनल सो गाइस, आज के इस व्लॉग में ना हम जाने वाले हैं कानपुर। तो भाई कानपुर में ना मैं पूरे 24 आवर्स के लिए रहने वाला हूँ, और मेरा एक दोस्त रहता है कानपुर में, तो उसके पास मैंने फोन घुमा दिया है कि भाई मैं कानपुर आ रहा हूँ, तो वो ही हमें घुमाने वाला है वहाँ पर। और जितना भी हो सकेगा ना मैं आप सभी के लिए उतनी चीजें एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो चलते हैं और सीधा चल के मिलते हैं कानपुर। मैम आ चुके हैं, मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ कि हमने क्या रूम लिया है। तो ये रूम है, लाइट जलाते हैं, कार्ड लगाना पड़ेगा, और चाबी तो यहीं पर है भाई, इसे लगाते हैं। तो कुछ ये रूम है, और ये बाथरूम है, फ्रिज भी रखा हुआ है एक छोटा सा, और एक जस्ट अपोजिट सामने वाला रूम भी हमारा है, और एक ये रूम है। अब सीधा चलने वाले हैं बाहर, ऋषभ भाई हमारा वेट कर रहे हैं, चलते हैं और करते हैं खानपुर को एक्सप्लोर। चलिए तो भाई ऋषभ भाई हमारा यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और जस्ट अभी हम होटल से आए हैं ऊपर से, तो अभी हम आएंगे होटल पे, वापस आएंगे, पहले थोड़ा घूम फिर के आएंगे। तो भाई क्या क्या घुमाने वाले हो भाई ये बता दो। भाई चला जाएगा गंगा बैराज की मैगी, जो कि कानपुर की फेमस है, और कानपुर में कोई भी है तो मैं रिकमेंड करूंगा गंगा बैराज जरूर। भाई यहाँ पे हम बोल पाएंगे या कभी ट्रक आएगा और कभी एम्बुलेंस। तो भाई का ट्रैफिक वैसे सभी को पता है कि आवाज बहुत, दिल्ली से भी खतरनाक है क्या? दिल्ली से भी खतरनाक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे तो चलते हैं आगे ही, सीधा बाइक पे सवार होंगे। तो भाई ये हमारी सवारी निकल पड़ी है। वैसे अपने ऋषभ भाई है ना मोटो ब्लॉगिंग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड है भाई, बहुत ज़्यादा साउंड है, ऋषभ भाई मोटो ब्लॉगिंग भी करते हैं, बट अभी नहीं कर रहे हैं, जस्ट ये मेरे से मिलने आ रहे थे, इनको नहीं पता था कि मैं ब्लॉग भी बनाने वाला हूँ। यहाँ से मतलब ज़्यादा दूर नहीं था इनका घर ऋषभ भाई का, तो ये आ गए। फिलहाल चलते हैं भाई, पहली जगह कहाँ पर लेके जा रहे हो? पहले गंगा बैराज। गंगा बैराज, गंगा बैराज में मतलब खाने पीने की भी चीज़ें हैं और घूमने की भी है भाई, मजा आ जाएगा, ऑडियंस को मजा आ जाएगा भाई, अगर पब्लिक को मजा आना है तो पैसा वापस। और जो जो वहाँ पे गया हुआ है ना बताओ कि भाई लोकेशन कैसी है, जो भी कानपुर आ रहा है उसको यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर कानपुर के हो तो कैसा लगता है ये भी आप बताओ। अगर आप कानपुर के हैं तो फिर तो पक्का बताएं यार कि भाई हम सही जगह जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि फिर अगली बारी भी आएंगे तो हम अगली बारी में दूसरी जगह भी जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। भाई कसम से मैं आपको चीज बताता हूँ, जब हम दिल्ली में ब्लॉग कर रहे होते हैं ना भाई इतने लोग नहीं देखते हैं, बट यहाँ पे भाई हर कोई मुड़ मुड़ के देख रहा है, इनफैक्ट गाड़ी वाले लोग भाई देख देख के कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हो क्या भाई, फुल ट्रैक्टरों के साइड में से भाई रैली मारने की सोच रहे हैं। एक और R15 जा रही है हमारे पीछे, रेस हो जाए भाई रेस हो जाए रेस। चलो भाई आज हो गई भाई, ये हल्का सा मेरे लिए करा है, और मैंने लिटरली हल्की सी रेस देते मैंने बोल दिया भाई रुक जा मैं उतर रहा हूँ भाई वरना तू उतर आता। और भाई तो भाई दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, आ गए हैं भाई भी आ गए हैं। देखो और भाई बंदर भी बैठे हुए हैं, और हमारी R15 यहाँ पर लग चुकी है, यहाँ पे आए। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई। कितना तेज भाव है यार पानी का। तो यार कसम से भाई जो मेरे को होटल से लेके यहाँ तक मजा आया है ना, स्पीचलेस भाई, बिल्कुल स्पीचलेस। और यार क्राउड यहाँ पे काफी ज्यादा है, अभी हम आगे तक भी जाएंगे और पूरा क्राउड दिखाऊंगा मैं आपको कि भाई लोग मतलब कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। अच्छा उधर रेत भी है, काफी अच्छा फोटो भी आता है और काफी अच्छा व्यू भी है उधर से। ओके तो भी है यार कहाँ भी सही लग रहा है ये देखो, और इधर भी पानी इधर भी पानी। वैसे
से ऐसा दिल्ली में भी है, यमुना जी आती है और काफ़ी सही सीन है वहाँ का भी, बट वहाँ पे इतने लोग देखने नहीं आते हैं, ये बात है, मतलब वो जगह पॉपुलर नहीं है दिल्ली में। और यहाँ की वैसे अलग फील है, काफ़ी अलग फील है। और बाकी अभी चलते हैं नीचे वहाँ पे, वहाँ पे बोटिंग भी हो रही है और काफ़ी सैंड है, तो वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पे जाके क्या सीन बनता है। तो भाई अभी ना हमें कानपुर के गोल्डन मैन मिल गए थे यहाँ पे, तो भाई सब लोगों ने घेरा हुआ है, ये देखो क्या फ्रांस में ये चीज़ मिलती है देखने को। तो यार यहाँ पे हमने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फोटोज ली हैं, क्योंकि यहाँ पे आई लव कानपुर भी लिखा हुआ है, तो इंस्टाग्राम पे आएंगी वो, इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएंगे। भाई अभी हम नीचे जा रहे थे रेत पे, बट भाई के फ्रेंड्स मिल गए थे, सामने बैठे हुए हैं, तो अभी उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और वो अभी हमारे साथ चलने वाले हैं आगे अगली लोकेशन पर। फिलहाल यहाँ पे भाई हमें मैगी खिलाने लाए हैं, तो भाई कितने की देते हैं मैगी? 40 रुपए। खास खास बात क्या है भाई, स्पेशलिटी क्या है आपकी बैराज की मैगी की खास बात? अरे ये है कि मैगी यहाँ की मैगी फेमस है पूरे बैराज पर, ये नहीं पता क्यों है लेकिन है, है लेकिन बस है, है बस है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये नहीं पता कि क्यों है, बस है। नाम क्या है? राज मैगी पॉइंट, देख सकते हैं। बाकी भाई टेबल पे भिजवा दीजिए मैगी। यहाँ पे दीशो भाई के काफी सारे फ्रेंड्स मिल गए हैं, अभी हम जस्ट रेंडमली वहाँ पे जा रहे थे, कौन से पॉइंट पे जा रहे थे, नीचे की सैंड वगैरह पड़ा हुआ है ना वहाँ पे जा रहे थे, बट तो यहाँ पे देख सकते हैं। क्या नाम है भाई आपका? आप सारे बाइकर्स हैं वैसे? नहीं इसमें आधे हैं आधे नहीं है, आधे भी अच्छा, नहीं आधे भाई है, दो नहीं, दो हैं बाकी नहीं है। भाई बाइकर हैं और भाई भी हैं। अच्छा आप दो ही बाइकर हैं बस, तो बाकी ये सारे आपके दोस्त हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेहंदी हसन। आपका? तो भाई तो सिंगर निकले यार, मैं ढीले में ले रहा था बे, कुछ गाइए यार, कुछ पेश करिए। अभी गला, अभी भाई का गला बैठा हुआ। आपका क्या नाम भाई? अमरेंद्र। और भाई आपका? सुवेश कुमार। तो भाई देखो आगे भी हमारे दोस्त वगैरह जा रहे हैं, अभी हमने जस्ट मैगी वगैरह खाई है और अब हम जाने वाले हैं भाई, अभी जहाँ पे रेत है, जहाँ पे हम काफी टाइम से आपको बोल रहे हैं कि रेत दिखाएंगे और रेत उड़ना यहीं से स्टार्ट हो चुका है। उधर बोटिंग भी बेसिकली होती है, बोटिंग भी होती है, लोग तो वहाँ फिशिंग करते हैं जितने भी मछुआरे हैं, तो एक्चुअली उन्हीं को अलाउड है, अभी हम ज्यादा जगह कवर नहीं कर पाए हैं, तो बाकी जगह हम कल सुबह एक्सप्लोर करने वाले हैं। भाई क्या सुंदर जगह है यार, कसम से यार, वो लाइटें बहुत प्यारी लग रही है यार। तो भाई गंगा बैराज पे कुछ समय बिताने के बाद हम सीधे निकल पड़ते हैं अपने होटल की तरफ और बीच में कुछ खाते पीते हुए भी जाते हैं, उसके बाद भाई लोग सीधे ना मेरे को छोड़ देते हैं मेरे होटल पे। तो यार जितना मैंने सोचा था ना यार, कानपुर में उससे कई ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और यार मैं पहली बार यार जैसे बाइक राइड पे गया था, और कल सुबह भी हम 5 बजे जाने वाले हैं, तो अभी मेरे को जल्दी से सोना पड़ेगा, कल भी हम काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, कम से कम 4 से 5 बाइकर्स तो होने वाले हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, कल सुबह ही पता लगेगा, और मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। और अब मैं जितनी भी देर सोऊंगा ना, मेरे को तो उतना टाइम लगेगा, मतलब 6-7 घंटे जितनी भी देर की मैं नींद लूंगा, उतनी देर मेरे को तो वेट करना पड़ेगा कल के दिन के लिए, बट आप सभी के लिए क्या है, जस्ट एक ट्रांजिशन और कल का दिन स्टार्ट, सो गुड नाइट, मिलते हैं सीधा कल। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और भाई ऋषभ भाई ने लेट करा है हमारे, और मैं फटाफट भाग के तैयार होके आया हूँ। तो भाई हम ना लेट तो ऑलरेडी हो चुके थे, बट ना हम ऑल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमें वहां पर जाकर सनराइज भी कैप्चर करना है, तो चलिए मिलते हैं सीधा चल के आपसे अपनी लोकेशन। मतलब सुबह आना वसूल हो गया, हम लेट हो गए, तो हम सोच रहे थे कि मतलब व्यू नहीं मिलेगा, बट भाई व्यू तो बम पार्ट मिला यार, ये देखो भाई, बिजूर ब्रह्मावर्त घाट, आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं, भैया को दिखा दो, और ज्यादा खराब नहीं हो रही है, और भाई ठंड में ठिठोर तो ये कैसे है भाई को देखो, मैं तो सोच रहा था कि मैं ऐसे खुला हुआ ये पहन के आया हूँ।
भाई तो और भी खतरनाक है। इंजन फ्यूल अगर माना हो। और भाई मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे आके जो व्यू मिला है ना, थोड़ा सा वो एंजॉय करिए आप। मजेदार लग रहा है भाई है। और बाकी अब हम उस वाले ब्रिज पे जाने वाले हैं नीचे। तो भाई गंगा जी के नीचे आके हमें क्या नजारे मिले हैं ना, एक बार देखिए भाई यार कितनी प्यारी लग रही है भाई गंगा जी, पूरी फोगी फोगी हुई है। काफी सही था है भाई लोंडो, सही था ना भाई? हाँ भाई बढ़िया था, मजा आ गया है ना, मजा आ गया। भाई के साथ गया था। नाम क्या है भाई आपका? आयुष। देख लो भाई घूम के आ गया और नाम ही नहीं पता। चलो भाई दिल्ली आओ तो यार बताना पक्का, ठीक है? चलो भाई बाय। तो यार सच्ची में मतलब आज काफी मजा आया, और अभी भी बहुत सारी जगहें कानपुर में हैं घूमने के लिए। मतलब जैसे ही ये कानपुर की मतलब इमेज मेरे सामने पोर्ट्रे हुई थी ना, सो उससे काफी अलग है यार कानपुर। सो गाइस कानपुर में घूम के ना बहुत ज्यादा मजा आया। आई होप आप सभी को भी वीडियो पसंद आई होगी। और यार बहुत ही जल्दी ना गोवा की पूरी सीरीज आने वाली है, और बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स बने हैं गोवा के। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है ना, कर लेना। सो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं सीधा अपनी अगली वीडियो में।